कौशल लेक्चर के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में हम लोग जानेंगे लो कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू किया जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। कह रहे बाबू कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जो प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता है, वस्तु का उपयोग किया जाता है, एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु ली जाती है, तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे धान के बदले गेहूँ, सब्जी के बदले तेल, दूध के बदले दही बदलना आदि, उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। या इसे कहें कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, वो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु के आदान प्रदान यानी कि लेन देन विनियोग को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे धान के बदले गेहूँ, फिर वही एग्जाम्पल हो जाएगा, सब्जी के बदले तेल, दूध के बदले दही बदलना, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, धान के बदले गेहूँ बदलना, धान के बदले तेल बदलना, गेहूँ के बदले चावल बदलना, गेहूँ के बदले आटा बदलना, कुछ भी हो सकता है। कोई भी मैंने एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का जब आदान प्रदान किया जाता है, उसी का कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं लोग एक अगले वीडियो के साथ। तब तक जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।